फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी टूथब्रश के कुछ अनयूजुअल यूजेस। टूथब्रश को हम किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर वन, टूथ जब हम कॉम करते हैं तो हमारे कुछ बेबी हेयर्स रह जाते हैं। इवन अगर हम कितनी भी अच्छी तरह से कॉम करें, कुछ बेबी हेयर्स लाइक जो अभी हेयर्स पूरी तरह ग्रो नहीं हुए हैं वो रह जाते हैं, तो उन हेयर्स को हम ब्रश और सेटिंग स्प्रे की मदद से सेट करें तो वो बहुत इजीली सेट और बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। कुछ लोगों की ये एरियाज फिंगर्स के स्पेशली ब्लैक या डार्क हो जाते हैं, तो आप इसके लिए क्या कीजिए, हाफ लेमन जूस लीजिए, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स कीजिए और ब्रश से इन एरियाज को रब कीजिए। कुछ ही दिनों में आपके ये एरियाज नॉर्मल स्किन टोन के हो जाएंगे। आपको मैट लिपस्टिक लगानी है बट उससे पहले लिप्स को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी होता है। अब अगर आपके पास लिप स्क्रब नहीं है तो आप सिंपली कोई भी लिप बाम या वैसलिन लिप्स पर लगाइए और टूथब्रश से हल्के हाथों से उस लिप्स को रब कीजिए। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश लीजिए और हल्के हाथों से रब कीजिए, आपके लिप्स बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजीली एक्सफोलिएट हो जाएंगे। नेल्स के इन साइड में अगर आपके डर्ट या कई बार हम कुछ खाते हैं तो वो सब जमा हो जाता है, तो वो सब क्लीन करने के लिए भी आप टूथब्रश का यूज कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज जनरली हम नेल्स के पूरा अंदर तक क्लीन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम टूथब्रश, कोई भी ओल्ड टूथब्रश का हम यूज कर सकते हैं। नेल्स के क्यूटिकल्स अगर आपके डर्टी हो रहे हैं, सपोज खाने की वजह से या किसी भी वजह से, या ब्लैक हो रहे हैं, तो आप क्यूटिकल ऑयल लीजिए, क्यूटिकल ऑयल को लगाइए और सॉफ्ट टूथब्रश से धीरे धीरे आप रब कीजिए। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और क्यूटिकल्स क्लीन हो जाएंगे। बालों पर टेम्परेरी हाइलाइटर लगाने का शौक है तो सबसे इजी तरीका है टूथब्रश। टेम्परेरी हाइलाइटर्स या चॉक्स जो आते हैं, चॉक हाइलाइटर्स, वो लगाने के लिए आप किसी भी ओल्ड टूथब्रश का यूज कर सकते हैं। मस्कारा डीक्लम्प करने के लिए भी आप टूथब्रश का यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, लेकिन बिकॉज ये आपकी आईज के पास जा रहा है तो आपको एक न्यू टूथब्रश लेना है और बेबी साइज का टूथब्रश लीजिए और उससे आप अपने आई लैशेस को बहुत अच्छे से डीक्लम्प कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स हटाने के लिए भी आप टूथब्रश यूज कर सकते हैं। कोई भी स्क्रब लीजिए और उसे नोज पर लगाकर हल्के हल्के टूथब्रश, सॉफ्ट टूथब्रश से स्क्रब कीजिए। ये आप हाथ से स्क्रब करने से ज्यादा इफेक्टिव होता है टूथब्रश से नोज को स्क्रब करना, और उससे आपके ब्लैक हेड्स ज्यादा अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। तो ये थे आज के मेरे टूथब्रश हैक्स। आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम माई चैनल।